स्टाइल में श्री, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये मेकअप लुक जो थोड़ा पिंकिश और पिंकिश तो नहीं, जो पर्पलिश टाइप का है, देख सकते हो आप लोग। मैंने पर्पल और ब्लैक स्मोकी आई टाइप का इफेक्ट दिया है थोड़ा सा, और बहुत अच्छा लुक हो के आया है गाइज, देख सकते हो आप लोग। बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज़ ना गाइज, स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप लोगों को कैसे कैसे करना है। इतना अच्छा मेकअप आप लोग भी कर सकते हैं, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे कोई भी वीडियो आए तो आप लोग नोटिफाई हो जाए और ऐसे ही अच्छे अच्छे लुक्स आप लोगों को देखने के लिए मिले। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज, मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है और सबसे पहले मैं लगाऊंगी काया का एक्ने फ्री प्यूरिफाइंग टोनर। सो देख सकते हो ये कुछ ऐसे टाइप से दिखता है गाइज। तो अच्छा, देन गाइज मैं फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज करूंगी स्विस ब्यूटी के गोल्डन स्किन केयर सीरम का, जो कि कुछ ऐसे टाइप के पैकेजिंग में आता है। मैं इसका आपको रिव्यू देने वाली हूँ बहुत जल्दी। सो देख सकते हो ऐसे ड्रॉपर के साथ आता है ये। सो इसे भी हम अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं गाइस, क्योंकि अब विंटर का टाइम है तो मस्ट है कि आप अपने स्किन केयर बहुत अच्छे से करें, है ना। क्योंकि विंटर में जो होता है ना, हमारे जो स्किन है वो रब होने स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक ड्राई होने, है ना। तो मैंने यहाँ पे सीरम इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मेरा स्किन है ऑयली, और आज मैंने मॉइस्चराइजर को स्किप कर दिया है और उसके जगह पे मैंने सीरम यूज़ किया है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास मॉइस्चराइजर है तो आप मॉइस्चराइजर लगाएं, अगर सीरम है तो सीरम लगाएं। गाइज, अब हम लगाएंगे स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर, जो कि ऐसे पंप एप्लीकेटर के साथ आता है और बहुत इजीली आप इसे फेस पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपको ले लेना है और बहुत अच्छे से अपने फेस पे से लगा लेना है गाइस। ये प्राइमर के साथ साथ मॉइस्चराइजर का भी काम करता है और प्लस इल्यूमिनेटर का भी काम करता है, लाइक इसमें एक शाइन रहता है गाइस, ग्लो रहता है, हाइलाइटिंग ग्लो जो बोलते हैं ना हम, वो रहता है। तो यहाँ पे मैंने लिप बाम भी लगा लिया है और यहाँ पे गाइज होता है हमारा स्किन केयर कंप्लीट। यहाँ पे मैंने कर लिया है टोनर और प्राइमर मॉइस्चराइजर, सब कुछ कर लिया है। सो अब हम मूव करेंगे मेकअप की तरफ। तो स्किन केयर हमेशा ज़रूरी है गाइज, अगर आप मेकअप करते हैं तो सबसे पहले स्किन केयर करें, क्योंकि स्किन केयर अगर आप करते हो तो वो एक लेयर अप बना देता है आपके स्किन में, जिससे मेकअप जो है वो डायरेक्टली आपके स्किन पे नहीं जाता है ना। सो स्किन केयर मस्ट, सो जरूर से किया करो। सो यार गाइज, अब हम करेंगे बेस। तो बेस के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी आज बहुत ही बहुत 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 अफोर्डेबल, और आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके ऊपर बता रही हूँ मैं, अगर आपको मेकअप करना है और 2-3 घंटे तक आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से मेकअप रहे, इनफैक्ट दिन भर भी आप चाहते हो ना अच्छे से रहें, सो गाइज आप यूज़ करते हो कर सकते हो ओलिविया का पेन स्टिक। ये इतना अच्छा है ना गाइज कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत अच्छा है। लाइक मैंने इससे कितने ब्राइडल मेकअप भी, लाइक पार्टी मेकअप वगैरह किए हैं, बहुत कुछ किया है। सो क्या आप कर सकते हैं ओलिविया से, है ना। मेरे स्किन पे थोड़े से डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पहले अपने स्किन को अच्छे से कलर करेक्टिंग कर लेती हूँ। तो उसके लिए गाइज मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, जो कि है नंबर 1 वॉर्म सेंट, ठीक है। तो ये वॉर्म टोन में है गाइज, और ये डार्क कंसीलर है ना, तो मेरे जितने भी बोल सकते हैं कि डार्क एरियाज हैं वहाँ पे मैं पहले कंसील करूँगी, देन मैं बेस अप्लाई करूँगी, ठीक है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और गाइज ये ना मेरे स्किन टोन से बहुत ज़्यादा डार्क है, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा ना इस पर लाइट शेड मिक्स करूँगी, सेम स्विस ब्यूटी का ही, देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा।
जस्ट लाइक इसमें वो मिक्स एंड मैच हो जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा डार्क भी नहीं अच्छा लगता है ना। तो अब इससे ना ये मेरे एग्जैक्टली स्किन टोन जो है मेरा उस पर आ जाएगा, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। सो ब्यूटी ब्लेंडर ले लेना है आप लोगों को, पहले तो आईज में जो लगा है उसे कर लेते हैं। लाइक कलर करेक्टिंग का काम कर दिया है मेरे स्किन पे, तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको ऑरेंज कंसीलर, क्या फिर आप ऑरेंज लगाओगे, फिर उसके ऊपर एक उसको मतलब अपने स्किन टोन का लगाओगे, फिर अपने स्किन टोन से थोड़ा लाइट लगाओगे, इससे बेटर है कि आप ऐसे कर सकते हैं। ओके गाइज, अब हम लेंगे बेस। तो बेस के लिए हमने अभी तो पहले कंसीलर लगा लिया गाइज, बेसिकली अभी हमने कलर करेक्टिंग का काम किया है अपने फेस पे, ठीक है। सो अब हम जो बेस है हमारे स्किन का वो लगाएंगे। तो उसके लिए देख सकते हो यहाँ पे मैंने ओलिविया का पेन स्टिक ले लिया है, नंबर है 08 इजिप्टियन लाइट, ठीक है। और ये कूल अंडरटोन में है, देख सकते हो गाइज। हमेशा याद रखना, अगर कोई प्रोडक्ट पिंक है, लाइक पिंक का थोड़ा सा टिंट है उस पर, तो वो कूल अंडरटोन पे आता है, और अगर किसी में ना लाइक येलोइश है तो वो वार्म में आता है, ठीक है। तो आप हमेशा ये, अगर आप मोस्टली ना इंडियन स्किन टोन पे होता है कि जो वार्म अंडरटोन के जो कंसीलर फाउंडेशन होते हैं ना वो आते हैं, पिंक अंडरटोन के लाइक कूल अंडरटोन के नहीं आते। सो गाइस देख सकते हो ये बहुत अच्छा बेस है गाइस, फुल कवरेज देता है आपको। अभी देखना आप, बस ऐसे ऐसे करके आप लोगों ने लगा लेना है। देन उसके बाद अच्छे से विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर इसे ब्लेंड कर लेना है, ब्यूटी ब्लेंडर या फाउंडेशन ब्रश, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। तो देख सकते हो गाइस मैंने ये लगा लिया, थोड़ा सा मैं आईज पे भी लगाऊंगी, ठीक है। एंड नेक पे भी। सो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया और इसे अब हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जितना अच्छा आपका बेस ब्लेंड होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपका मेकअप होके निकल के आता है, जितना अच्छा आप ब्लेंडिंग करोगे। तो मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपने ब्लेंडिंग में कमी की ना तो मेकअप पैची पेकी हो जाएगा। सो दैट्स वाई आपको ज़रूरी है कि आप अच्छे से अपने जो भी फाउंडेशन है, कंसीलर है, जो भी है, उसे आप अच्छे से ब्लेंड करें, ठीक है। सो देख सकते हो कितना अच्छा बेस होके आया है, इसे हम और अच्छे से कर लेते हैं। सो गाइस जब आप ओलिविया यूज करते हैं तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ना हम ये मतलब एकदम फुल कवरेज तो नहीं देता, जैसे कि आप लोग देख सकते हो है ना, एकदम से फुल कवरेज नहीं देता गाइस, क्योंकि बहुत फर्क होता है रेंज पे भी, तो ये फुल कवरेज नहीं देता, बट मीडियम कवरेज। और आप इसको ब्यूट कर सकते हैं फिर से, मतलब बिल्डअप कर सकते हैं, लाइक एक लेयर और लगा सकते हैं, इससे जो है आपका मेकअप जो है वो फुल कवरेज हो जाएगा बेस। सॉरी सेम ओलिविया का ही पेन स्टिक देख सकते हो, जहाँ भी हमारे हाईलाइट पॉइंट्स है वहाँ हम इसे लगा लेंगे अच्छे से। एंड हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है गाइस। देख सकते हो आप लोग कैसे लगा रही हूँ मैं इसे, ठीक है। आईज पे और थोड़ा सा, क्या है जब आई अच्छे से वो हाईलाइट होता है ना तो उस पर जो आई शेडोज है वो बहुत अच्छे से उभर के आते हैं, और अगर आई ही डार्क होगा तो आई शेडो अच्छे से नहीं आता। सो इसे अच्छे से ऐसे ब्लेंड कर ले। यूज कर रही हूँ लैक्मे का रोज पाउडर,
तो इसे मैं पाउडर, आज मैं कोई भी बेकिंग नहीं करने वाली हूँ, सिंपली मैं देख सकते हो क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। उसके बाद जरूरी होता है गाइस कि आप पाउडर अप्लाई करें, और विंटर में आप कोशिश करें कि आप कम पाउडर अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन ड्राई होती है तो वो तो पाउडर ना ही अप्लाई करें तो बेटर है। और अगर आप चाहें भी तो कॉम्पैक्ट, सो गाइस अगर आपको पाउडर करना भी है विंटर में तो आप कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, लूज पाउडर थोड़ा सा अवॉइड करें। यूज कर रही हूँ शुगर का कॉन्टोर पैलेट, देख सकते हैं आप लोग। गाइज अगर आप फॉरहेड को करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, ठीक है। आप अपने फेस के फीचर्स के अकॉर्डिंग करें कि आपका फेस स्लीम है या चबी है। मेरे जैसे सुमेरा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा चबी चबी है, इसलिए मुझे कॉन्टोर करना पड़ता है। गाइज होता ये है कॉन्टोर और हाईलाइट से जो आपके फेस के फीचर्स है वो बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सो देख सकते हो गाइज मैंने ब्लश कर लिया है, अब मैं करूंगी हाइलाइटर। गाइज देख सकते हो मैंने हाईलाइट भी कर लिया है। सो हमारा फेस मेकअप जो है गाइज वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है ना। तो सो गाइज अब हम मूव करेंगे आई मेकअप पे, ठीक है। तो जो हमारा फेस मेकअप है वो कंप्लीट। तो आई मेकअप के लिए गाइज आज मैं यूज कर रही हूँ बहुत ही मेरा पुराना पैलेट का, जो कि है मिस रोज का। पता नहीं क्यों आज मुझे ये पैलेट यूज करने का मन किया, और इसे मैं बहुत संभाल के रखी हूँ गाइज, ये टूट चुका है इसका कैप देख सकते हो आप लोग, लेकिन फिर भी मैंने इसे संभाल के रखा है क्योंकि ये मेरा वैनिटी पे, मैंने जब अपना फर्स्ट वैनिटी बनाया था, फर्स्ट मैंने जब मतलब सबसे पहले जब मैं मेकअप करने के लिए गई थी, तो जब मैं सीखी थी उसके बाद जब मैंने मेकअप करना, नहीं सीखने से पहले ही मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने से पहले ही मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से पसंद है ना, मैं छोटी सी तब से। तो ये था मेरा फर्स्ट पैलेट देख सकते हो आप लोग, और ये समथिंग 500 समथिंग का था मिस रोज का। इसमें अभी तो नहीं दिख रहे हैं हमारे भी वगैरह, बट पीछे लिखा हुआ था, ठीक है। सो अभी भी अगर आप इस पैलेट को लेने जाओ तो ये समथिंग आपको 500 कुछ पड़ेगा, तो मतलब 500-400 देख देख के पड़ता है गाइस अलग अलग वेबसाइट्स पे। तो यस आज मैं इससे करने वाली हूँ, और देख सकते हो ये मिस रोज का है, 36 कलर्स आते हैं इसमें। सो इसके हेल्प से सबसे पहले तो हम अपने आईब्रो को फिल करेंगे, ठीक है, देन बाकी चीज़ों पे मूव करेंगे। तो देख सकते हो गाइस मैंने कितने अच्छे से आईब्रो को फिल कर लिया है। अब हम करेंगे आई मेकअप, ठीक है। सो आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं लूंगी एक ट्रांजिशन शेड को, जो कि आज मैं अपने आउटफिट के हिसाब से करूंगी। सो गाइज यहाँ पे मैंने एक पीच टाइप शेड को लिया है, सॉरी इसमें पहले ये अभी मैं यूज कर रही हूँ पैक का K9 ब्रश नंबर, मैं आप लोगों को बता दी हूँ। नीचे करूंगी, ठीक है, जो एग्जैक्ट मेरा जो आउटफिट है वो शेड लिया है मैंने, और उसे मैं एग्जैक्टली क्रीज पे प्लेस कर रही हूँ, देख सकते हो आप लोग। गाइस उसको आपको सिर्फ क्रीज पे देना है, ठीक है, ऊपर नहीं लेके जाना है। लूंगी जो कि एक पर्पल शेड है, एग्जैक्टली क्रीज पे देना है ना आपको, देख सकते हो दिख रहा है डिफरेंस आप लोगों को।
ब्लैक और पिंक ये दो शेड को मिक्स करके दूंगी गाइस आउटर कॉर्नर पे, ठीक है, आउटर वी पे देना है हमको। थोड़ा सा मन तो कर रहे हैं पूरा मैट ही रख दूं, बट थोड़ा थोड़ा सा शिमर देंगे, बस थोड़ा सा, ठीक है। सो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का पैलेट, जिसमें से मैंने पर्पल शेड को पिक किया है और उसे मैं लिड पे थोड़ा सा प्लेस कर दूंगी। सिर्फ आपको लीड पे प्लेस करना है, ठीक है, ऊपर नहीं लेके जाना है। ये कंप्लीट है हमारा आई शेडो, अब हम करेंगे लाइनर। सो गाइस लाइनर के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ मेबलिन का कोलोसोल। गाइस यहाँ पे मैं मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का हाइपर कर्ल। सबसे पहले हम थोड़ा सा लैशेज को कर्ल कर लेते हैं। लोअर लैश लाइन को भी हम कर लेंगे गाइस साथ ही साथ। मुझे ना पता नहीं क्यों साथ ही साथ मेकअप करना पसंद है, जैसे मैं आई को कर रही हूँ तो मैं दोनों आई को एक साथ करूंगी, है ना, एक आई को मैं नहीं करती। सो इसलिए मुझे सो गाइस हमारा आई मेकअप भी पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं कोई भी लैशेज वगैरह अप्लाई नहीं कर रही हूँ, अब बस हमारा लिपस्टिक बचा है तो हम लिपस्टिक भी जल्दी से लगा लेते हैं। सो उसके लिए भी मैं शेम शेड ले रही हूँ, देख सकते हो आप लोग। तो ये एक बुलेट लिपस्टिक है गाइज, और मैंने लिप बाम पहले ही लगा लिया था।